सब्सक्राइब कयो असन जो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी एचडी कुकिंग शो आई वधी का अपडेट लाए बेल आइकन के क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेफ फैसल तानी सोपिया कुकिंग शो उम्मीद सब खैरियत से हुंदा। मज़ेदार रेसिपीज तला खी इंदा पाँगी फरमाइशों भी पूरी क्यों पाया जे फरमाइशों तुम्हें वो मां कोशिश करे सब पूरी कह एक का हफ्तन के अंदर। तो अज ठाया पे चिकन कौरमो जो शादी में देग वो चिकन कौरमो ठो वो तुम बीफ में भी ठाई सोता मटन में भी ठाई सोता। ठीक है, टे पाक एक किलो की रेसिपी तक सिखारा पे कौरमे की नोट कजो का शे समझ नी अचे बार बार जो रिपीट कराइन कर लिखा वेंदा किथा मिस थे तो उनके वापस लिखी छा कर न तो सुबह जो 9 बजे रिपीट भी हलन उनमें भी डी सूता उनसे गड ठाया पे चावर खीर जो हलवो या मिठाई चावर ए खीर जो हलवो चई वो या मिठाई डिफरेंट किस्म की रेसिपी है तमाम ईजी एक कप चावर से एक कप खीर से तमाम बेहतरीन मिठाई ठहंदी। ये ज़रूर तुम ट्राई कजो मिठो अड़ो है कि ईद आए को खुशी जो आए किथे को न्याज करनी है तो बल्क क्वांटिटी में वधी करे भी ठाई सको। ठीक है, तो सुबह 9 बजे रिपीट हलन स्क्रीन पर हल्प नंबर का भी फरमाइश करनी हो कुछ भी कुछ हो कॉल कर पुछी सोता। एनएक्स एनएक्स में है जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन इस्त्री तीन इन मार्केट में मिले पी तो वो इंजॉय कर मशीनू जैसे तुम घर में होंदियों तो उनका अस जल्दी जल्दी पाँचा कम निपटा सूँ। ठीक है, आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं फरमाइश थी कौरमे की देगी कौरमा, ये होता है शादियों में जो बनता है ना बहुत ही स्पेशल दानेदार देगी कौरमा बना रहा हूँ चिकन का। ठीक है, उसके साथ हम मिठाई बना रहे हैं हलवा भी कह सकते हैं मिठाई भी कह सकते हैं दूध और चावल का हलवा या दूध और चावल की मिठाई। बहुत ही यूनिक डिफरेंट रेसिपी है और क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, अगर आपने ज़्यादा बनानी गैस ज़्यादा है तो उसको फिर आपने डबल करना है। कौरमा जो क्वांटिटी में बना रहा हूँ 3 पाव से 1 किलो के गोश्त का बना रहे हैं, बीफ में बनाएं मटन में बनाएं सेम रेसिपी होगी, सिर्फ गोश गलाने का प्रोसेस जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, वो मैं बीच में बता दूंगा। एनएक्स हमारे साथ एनएक्स में है जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन इस्त्री वगैरह आप ले सकती हैं, अवेलेबल हैं और ये मशीनें आपके सामने यूज़ करता हूँ, क्विक रेसिपीज़ बनती हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं चावल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसको फिर ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, उसके हमने काटने हैं पीसेस। ठीक है, और कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है आपको तो आप रिपीट में देख लिया करें, लाइट का भी बहुत इशू होता है। ठीक है, कहीं केबल नहीं आ रहा होता है तो यूट्यूब पर हमारा चैनल बना हुआ है कुकिंग विद फैसल, उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ भी तमाम रेसिपीज़ अपलोड जाती हैं। अच्छा, चावल की क्वान्टिटी हमने कितनी लेनी है, ये 1 कप। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, आप कप के मेजरमेंट से बनाएंगी तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, 1 कप ये जो वाला होता है ना ये होता है 1 पाव का चावल, इसमें 1 पाव आएंगे क्योंकि चावल को मैंने दोनों तरीके से मेजरमेंट किया, अगर आप पाव के हिसाब से करेंगी ना 250 ग्राम तब भी ये 1 कप बनेगा, लेकिन कप सासर वाले जो कप होते हैं ना वो थोड़े चेंज होते हैं साइज़ में डिफरेंट होते हैं, तो ये कटोरी का हिसाब होता है, ये जो कस्टर्ड वाले प्याले घर में मौजूद होते हैं डिनर सेट के इस तरह के, तो ये भी ले सकती हैं, दोनों तरीके की आप मेजरमेंट कर सकती हैं। ठीक है, बिन्हीं तरीके से तुम मापे सोता चावर तुम खड़ो इतने केतरा 1 पाव चावर हैं। ठीक है, ये पूरा 1 पाव चावर हैं मापियल हैं, प्याली के हिसाब से खड़ी सोता कप के हिसाब से न तो 1 पाव चावर खड़ी वर्जो। ठीक है, 1 पाव चावल आप ले सकती हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑयल लेना है 1/2 कप थे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, इसमें हमने करने हैं चावलों को फ्राई, डिफरेंट है, बहुत ईजी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ऑयल जैसे यहाँ पे गरम करेंगी ना, घी भी कर सकती हैं ऑयल भी कर सकती हैं, हमेशा आप कहेंगे कि मीठा फैसल कहते हैं कि घी में बनाया कर, लेकिन आगे हम प्रोसेस जो करेंगे वो घी का ही होगा, सिर्फ चावलों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल यूज़ करना, आप घी भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, चावर के फ्राई करने ला मैं इतने ऑयल खाए हुआ वरना तो घी जो भी इस्तेमाल कर सको था। 1 पाव चावर खण जो पूरा मापे, ठीक है, 1 पाव चावल आपने पूरा नाप के लेना है, जैसे यहाँ पर ऑयल या घी आपका गर्म होगा वो भी आपका 1-1.5 कप होना चाहिए। इसको हमने क्या करना है, फ्राई करना है, चावल जब आपके गोल्डन कलर के हो जाएंगे ना फिर इसको निकाल के हमने ग्राइंड करना है, बहुत इजी और 15 मिनट में बनने वाला ये हलवा या मिठाई, ये इसकी जब कटिंग होगी तो वैसा होगा जैसे कलाकंद बर्फ़ी या जैसे मिठाइयाँ होती ना पीसेस में कटी हुई, इस तरह की कटिंग में इसको हम काटेंगे तो आप देखिएगा। अब यहाँ पर जैसे ऑयल गर्म हो गया ये चावल मैंने इसमें डाल दिए, चावलों को साफ़ करके आपने इसमें डाल देना और चावलों को हमने इतना फ्राई करना है कि चावल हमारे बिल्कुल गोल्डन कलर में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौनो कहाँ से बात कर रहे हैं?
आप जो भी हैं कॉल पे बड़े बात करें, बच्चों को नहीं दिया करें, क्योंकि देखें ये प्रोग्राम कुकिंग का है तो बच्चों को ना दिया करें फ़ोन। आपने बात करनी तो आप खुद कर लें, ठीक है? हेलो, बस ड्रॉप करें, चलो बारन सा छा गए वो। हम जब भी कॉल करें, जडे भी गलायो माई हुई है ना, बच्चों को ना दिया करें। देखें लाइन पूरी बिजी जा रही होती है, पीछे काफ़ी कॉलर्स होते हैं, हर कोई वेटिंग में होता है। आपने बात करनी है, रेसिपी के बारे में कुछ पूछना है तो आप कॉल कर लें। बच्चों से बात करने का, हाँ मेच्योर है बच्चा, बात करने जैसा है, कुछ समझते, छोटे बेबी को देने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है? ये हमारे चावल को हमने करना है फ्राई, इस तरह घुमाते जाएं बीच बीच में, चावल कच्चे। अच्छा, चावलों को भिगोना नहीं है, सूखे जैसे चावल होते हैं ना यूज़ करते हैं भिगोने से पहले, वैसे बस साफ कर लीजिएगा, उसमें पत्थर वगैरह ना हो। चावर कच्चा हुजन, पिसायल ना हुजन पानी में, ऐं चावरन के तव्हां छा कंदो, डायरेक्ट फ्राई कंदो, बिल्कुलु पाणी में न पिसाइणा आहिनि, ठीकु आहे? कच्चा चावर फ्राई थींदा। चावल ज़रूरी कि आप बहुत महंगे वाले लें, नॉर्मल वाले ले लें, खिचड़ी वाले चावल आते हैं, टोटा चावल आते हैं, आप उसमें भी बना सकती हैं, क्योंकि वैसे भी ग्राइंड होगा। जो चावल आपके पास इजी में अवेलेबल है ना, आपने वो लेने। चावर जेके भी हुजन, टोटा चावल खणो, पोनिया अचनता, नॉर्मल खिचड़ी वारा, खीरणी वारा चावर, सस्ता वारा अचनता, वो भी इस्तेमाल कर सको। तो छा करना, इनके फ्राई करे असांखे पीसणो आहे, ठीक आहे? इनखे असांखे पचाइणो न आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कौन हो, कहाँ से बात कर रही हैं? भाई शहजादी बात कर रही, शहजादपुर से। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र भाई, मैं ठीक हूँ जी। कुछ भाई वो आपसे फरमाइश करनी थी, मामा बोल रही थी कि सब्जी और है ना दालों का कुछ आप ऐसा बनाएं कि हमारे घर में सब्जी और दालें बहुत खाते हैं ना। अच्छी बात है, सब्जी और दालें तो मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए, और दालों में तो फुल प्रोटीन होता है। तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज बनाई हैं, अगर यूट्यूब आप देखती हैं तो YouTube पे देख लें, कुकिंग विद फैसल में आप सर्च करें, जो भी दाल की रेसिपी हो। और कल मैं वैसे भी एक दाल और एक सब्जी की रेसिपी बना रहा हूँ, तो कल देखिएगा। आपको किस तरह की दाल चाहिए, मुझे नाम बता दें। दालें जैसे घर में बनती हैं, आपने एक फ्राई दाल जो होटल वाली बनाई थी। हाँ वो बनाई थी अभी, वो आपकी फरमाइश थी जी। हाँ वो भी हमने ट्राई की थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, घर वाले सबको पसंद आई। चलें ठीक है, कल फिर मैं ना चने की दाल बना दूंगा, वो देखिएगा, ठीक है? थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। और सब्जी में मेरा ख्याल में कल करेले बनाऊँ, करेले खाते हैं आप? ठीक है, करेलों ठीक है, करेलों की फरमाइश आई हुई है ना, तो कल मैं करेले भी बनाऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना भाई, आप कोशिश करना, थोड़ी सब्जियां भी आई हैं ना सर्दियों की, तो बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह 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 जरूर बनाऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसका जो ऑयल है ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हमने कोरमे के लिए यूज़ करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसी ऑयल में देखिए चावलों का कलर कैसा हो गया, हाँ ऐसो चावर फ्राई थी गया, इन कलर में अचान खपन, जलने नहीं चाहिए, गोल्डन कलर में आ गए चावल, ठीक है? एक पाव चावल थे, ये गोल्डन कलर में आ गए, थोड़ा इसको और एक जैसा कलर होना चाहिए चावलों का, जलना नहीं चाहिए चावल, ठीक है? और ना ज़्यादा काला हो जाए। इस तरह फ्राई करें चावलों को, मिक्स करें ताकि कोई चावल अंदर कच्चा ना हो, सारा चावल फ्राई हो जाए। चूल्हा बंद कर दिया, चावल फ्राई थी भैया, मैं चूल्हा बंद कर चलिए, चंगी तरह मिक्स कर दो चावल ताकि कच्चो ना रहे। ये देखें इस तरह, ये बहुत ज़बरदस्त हलवा बनेगा, बहुत ईजी है, आपको पसंद आएगा। अब हमने क्या करना है, इसका ऑयल छान लेना है बारीक छन्नी से। ऑयल में इसी ऑयल को हम कोरमे में भी यूज़ कर सकते हैं, सालन में यूज़ कर सकते हैं, ऑयल हमारा ज़ाया नहीं हुआ, ठीक है? क्लियर हो गया बिल्कुल ऑयल, सारे चावल मैंने उतार दिए, ये देखिए इस ऑयल को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं कोरमे में, ठीक है? अब इसमें खड़खड़ सी आवाज़ आ रही, फ्राई हो गए बड़े ज़बरदस्त से, ये देखिए ये चावल फ्राई हो गए, इसको मैं रख रहा हूँ साइड में, ठीक है? अब इसको साइड में रखा, ये हो गया कोरमे के लिए ऑयल मैंने निकाल दिया, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम बनाते हैं क्या, यहाँ पे हाने ऐसा छा ठाइंदा सी, इतने तमाम बेहतरीन किस्म सा इन रेसिपी के ठाइंदा सी, इतने चावर थदा थिंदा, थोड़ा सा ग्राइंडर खणंदा सी, ग्राइंडर में या बड़ा आपके पास मिक्सी है उसमें कर सकते हैं, इसको हमने ग्राइंड करना है चावलों को, ठीक है? चावलों के साथ हमने इसमें क्या ऐड करना है, एक तकरीबन 50 ग्राम के करीब तिल ले लें, या एक छोटी कटोरी तिल की ले लें, वाइट तिल, सफ़ेद तिल ये हर जगह मिल जाता है, वाइट तिल, ठीक है? अच्छा तिर ये हर जगह मिली वेंदा ये तव वठंदो। अब इसका प्रोसेस देखती जाएं, बहुत इजी है। ग्राइंडर लेंगे, इसमें हमने पहले तिल डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है? तिर खाया ये 50 ग्राम होंदा, अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर देना, एक दफ़ा हिला दें,
ठीक है, ये हाफ कप से थोड़े ज़्यादा होंगे, पौना कप आपने तिल लेने, अर्धे कप का थोड़ा मथे हों आते हुए तेल हो गए। अब एक बॉल लेते हैं जिसमें हमने इनको ग्राइंड कर करके निकालना है। यहाँ पे तिल ले लिए, सफ़ेद वाले पीस लिए, ठीक है, ये देखिए बुरादा इसका बन गया। अब हमने क्या करना है, जो चावल मैंने यहाँ डाल के रखे थे निकाल के, इनको हमने ग्राइंड करना है। चावलन के ग्राइंड कंदासी ग्राइंडर में भेजी, इसको भी हमने इसी तरह दरदरा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, जैसे कुटा हुआ होता है ना दानेदार सा बनाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नायरा बात कर रही हूं। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी भाई आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ कहना चाहेंगी? ये भाई मुझे हरी मिर्ची बनाना सिखाए, हरी मिर्ची ट्राई करना। क्या बनाना सिखाऊं? हरी मिर्चें? हरी जी। मसाले वाली चाहिए आपको? जी जी मसाले वाली। चलें ठीक है, मैं हरी मिर्ची ट्राई करना सिखाएं। कौन सी हरी मिर्ची? कोई डिफरेंट तरीके से? ठीक है मैं कल कोशिश करूंगा। कल मैं दाल भी बना रहा हूँ चने की, उसके साथ करेलों की रेसिपी। और तो मैंने करेले की भी फरमाइश की थी आपने। हाँ मैं कल बना रहा हूँ, आप देखिएगा करेले, और कल कोशिश करके मैं मिर्चे भी बना दूंगा साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। इस तरह इसको ग्राइंड करना, ग्राइंड नहीं है तो इमाम दस्ते में कूटे दानेदार सा, एक दफा हिला लें ताकि ऑयल के साथ है ना चावल तो थोड़ा चिपक रहा होता है। दो हिस्सों में करूँगा, ये ग्राइंडर छोटा है गर्म है तो इसको आराम से, ठीक है, ब हिस्सन में भी करे सको था। आई ग्राइंडर गर्म आए तो आराम आराम सा थे पे हो। ये देखें इसको इस तरह मिलाते जाएंगे। अगर बड़ा मिक्सचर है आपके पास ग्राइंड करने वाला तो आप एक साथ भी कर सकती हैं। ठीक है, दोबारा उठाया मैंने बाकी चावल, सही है समझ अचे पे तांके एक पा चावर हुआ उनके छा कयो डायरेक्ट असा ऑयल में एक कप ऑयल में फ्राई कर छंदासी। ऑयल वरी कटी रखी छजो, ऑयल तांके कें भी भाजी में कम अची विंदो, ऑयल में को फर्क ना। चावरन चावर ठाइंदा तो चावर में विझी सको था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसल बात ठीक है? मां बिल्कुल ठीक ठाक। के रे किथा गलायो पया? जी मां बतिन का गलाय पे मुर्क कुछ चैन चाहिंदो दी जी। सेतल जो करेला है ना वो तुम सुबह खाइंदा, उन्हें कड़वा न थी खत्म थे, जो कीमे वाला खाण सिखाइजा। ठीक है, कीमे वाला तो कल कौन ठाइंदम, कल मैं बेहतर तरीके से ठाए पो, कीमे वाला भी सिखारे वठंदम, आई सुभाणे मैं तांके बुधाइंदो करेलन जी कड़वाट की खत्म थिंदी है वो सुभाणे बुधाइंदम। ठीक है जी 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 हां। ओके जी, पंजो ख्याल रखो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको भी चला देते हैं, एक दफ़ा हिला लें ताकि चावल के सारे दाने एक जैसे दानेदार होना चाहिए, दानेदार है। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा आना रेजीवन, इन्हें तरीके से सजा चावल ताकि पीसना है। ये कच्चे नहीं है चावल, खा भी सकती हैं, बहुत मज़े के लगेंगे आपको, चाट मसाला डाल के ना इसको आप खाएं, बड़े क्रंची से दाने होंगे क्योंकि फ्राई हो चुके हैं। ठीक है, इसको फिर चला देंगे। ये सजो कढ़ी वरतो, ठीक है, ये सजो मिक्सचर में कढ़ी वरतो आ चावर आई तिर, चावर और तिल जो है ये मिक्स हो गए, इसको मैंने निकाल दिया। अब इसमें हमने मिक्सचर में क्या मिलाना है, यहाँ पे हमने मिलाना है नारियल, हाफ कप नारियल का बुरादा, हाफ कप नारियल का बुरादा इसमें मिला देंगे, इसको मिक्स करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इनमें डूंगी भी मिलाई छी है, तिर आए चावर एंड फ्राई थियल आई डूंगी, चावल तिल और पिसा हुआ नारियल मिला दिया। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हलवे की तैयारी करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक तो होने का पहली तान सामू है जी को मैं मिक्सचर ठाए मैं रखी चलो। ठीक है, जो मिक्सचर बनाया था चावल फ्राई थे और इसमें तिल जो है ग्राइंड करके डालें, फ्राई चावल ग्राइंड करके डालें और पिसावा नारियल मिला के मिक्सचर साइड में रख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बनस्पति घी लेंगे सिर्फ 4 से 5 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, अब हमने घी का इस्तेमाल करना है, 1, 2, 3, 4, 5 5 खाने जा चमचा भरे विझंदो बनस्पति घी, इनके गरम कंदासी
ये गर्म होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना, जितनी हमने चीन वो लिया था ना क्या कहते हैं चावल, उस हिसाब से आपने एक कप लेनी है चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम टेबल स्पून से भरते हैं, चीनी हमारी कितनी बन रही है। एक दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यशल बात कर रही हैं? जी जी। कैसी हैं? ठीक हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। घर में सब खैरियत है? मज़े का खाना बन रहा है, मैं ट्राई करूँगी। ज़रूर बेटा ट्राई करना। घर में सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, आपकी दुआओं से। थैंक यू। कोई कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। 10 खाने के चम्मच चीनी गई है, 10 टेबल स्पून चीनी। बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, 10 से 12 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चीनी को हमने करना है मेल्ट। इतने चीनी के नरम कंदासी बिल्कुल ब्राउन कलर में अच्छी बने, ठीक है। चीनी में ना पानी जाएगा ना ऑयल जाएगा कोई चीज़, बस चीनी मेल्ट होती जाएगी। जब गोल्डन कलर में आएगी ना फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर जब घी हमारा गर्म हो गया 5 टेबल स्पून, इसमें हमने क्या डालना है, ये जो मिक्सचर बना के रखा था ये इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। जेको मिक्सचर विद हो ना ठायो हो इंजेंदा विजी इनके हल्की बाहें ते फ्राई करना सी। 5 खाने के चम्मच घी में आपने मिक्सचर डाल के 3-4 मिनट भूनना है। चावल वैसे भी हमारे फ्राई हैं लेकिन इसमें जाएंगे तो बहुत अच्छा सा बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? फरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ, आपकी फरमाइश थी ना। ठीक है, देखिएगा फिर बना के मुझे बताइएगा, ठीक है। और मैं यूँ कह रही थी, मैंने वो बनाया था, क्या चीज़? डबल रोटी की आपने वो बताई थी ना, स्लाइस की आपने रबड़ी, मैंने बनाई थी कल। कैसी बनी? बहुत जबरदस्त। मेरी सिस्टर के गेस्ट आए थे, उन्होंने खाई, बहुत तारीफ करी। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये कोरमा बना के फिर मुझे बताइएगा, ठीक है, कैसा लगा आपको? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चीनी को अच्छी तरह मेल्ट करें, मिक्स करते जाएं। चीनी के खंड के चंगी तरह शीरे वांगर पाने ही ठही वेंदी ही, जो कलर कैरामिल बनेगा, ठीक है, कैरामिल कलर आएगा। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि घी बहुत गर्म हो गया था। अब इसको मिक्स करने के साथ साथ हल्की आँच करेंगे और इस पर हम डालेंगे इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच। तकरीबन 8 से 10 इलायचियाँ आपने कूट के या ग्राइंड करके इसमें डाल देनी है। 8 का 10 नंडा पोटा था इंच अंदर विचंदो, 8 से 10 छोटी इलायचियाँ इसमें डाल देनी है और इसको हल्की आंच पे आपने मिक्स करना है। आंच तेज़ नहीं होगी, बस ये प्रोसेस बहुत अब करीब आ गया है डिश आउट करने के। फिर चीनी हमारी मेल्ट होगी, हम इसमें मिलाएंगे, ठीक है। इसको इलायची के साथ हल्की आंच पे हमने भूनना है, साथ साथ चीनी देखें हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई। इसका कलर कैरामिल बनेगा, ब्राउन कलर आएगा, ठीक है, ब्राउन कलर इन दो। पहले इस तरह भूरे की तरह होगी, फिर गुठलियाँ बनेंगी, ये देखें इस तरह हार्ड हो गई, अब ये ब्राउन शेड में आना शुरू हो गई है। हाणे जो कलर तव्हां ॾिसंदो ही सफ़ा गोल्डन कलर में अची वेंदो, जॾहिं गोल्डन कलर में अची वेंदो त पोइ हिन शीरे खे असांजे अंदरि एड कंदासीं। साथ साथ ये चला रहूं ताकी जले ना हल्की आंच पे। ये बहुत गर्म होता है वैक्स की तरह, ठीक है, तो बच्चों से दूर रखें, अपने हाथ भी बहुत बचा के काम कीजिएगा, ये बहुत ख़तरनाक होती है। अगर ये स्किन पे एक ड्रॉप भी लगे ना, बिल्कुल मोटी वाली जो स्किन होती है ना वो पूरी उतर जाती है, ज़ख़म हो जाता बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये ॾाढो ख़तरनाक हूँ, चाश जो हिन वही वारो ठहंदो आहे ना हुन चाश खां वधीक ख़तरनाक हूंदो आहे। बिल्कुलु वैक्स वांगुरु ठही थो वञे ऐं अगरि हीउ खल ते लॻे त बूटी सफ़ा सम्झो नज़र ईंदी, एॾो सड़ी थो वञे। बस इसको आपने मेल्ट किया, चूल्हा बंद कर दिया, इसके दाने जो थोड़े रह गए ना ये हमने निकाल देने इस तरह करके। अब ये देखें ये कैरामिल सा बन गया, ये इसके अंदर हमने मिक्स करना है हल्की आंच पे। इसको भूनते हुए जलना नहीं चाहिए, जली हुई भूनी आनी चाहिए इसके अंदर से। ये पूरा कैरामिल इसमें ऐड किया, ये सब जो इनके अंदर भी दो चाश के, ठीक है, और ये फ़ौरन जम जाता है। तो इसको एकदम गर्म पानी में, जब भी आप इसको दोबारा धोएंगी तो इसका पानी आपने गर्म करके इसको धोना है। अब ये आपने इसमें मिलाना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, चंगी तरह मिक्स थी बने इनके अंदर, ठीक है, ऐसो हाँ ही सजो मिक्स थी। अब इसमें हमने डालना है 1 कप दूध, आपके पास होना चाहिए, आधा पहले डालूंगा। अच्छा, दूध डालने से इसमें गुठलियाँ सी बनेंगी लेकिन वो गुठलियाँ हमने ख़त्म करनी है। ये पहले जमेगा गुठली की तरह, देखिए इसके लम्स ख़त्म होंगे, ये बहुत ज़बरदस्त सा हलवा बनेगा, जैसे सोहन हलवा होता है ना उसके करीब करीब का आपको लगेगा टेक्सचर, वैसा ही बनेगा सोहन हलवे की तरह। मुल्तानी हलवा होता है सोहन हलवा, उस तरह का इसका टेक्सचर आएगा, ठीक है। इसमें दूध, ये 1 पाव दूध था तकरीबन,
ठंडा दूध या गर्म दूध दोनों में से जो भी डाल सकती हैं, कच्चा दूध नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई। जी जी फैसल गलाए पे हो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कह रहे हैं कितना गलाए पे? मां सर खालिद से जमाल जो गले में उस्तल जिला लतबल्ला बलूचिस्तान में। जी जी को चैन चाहिए। हां जी सर प्रोग्राम रोज दिसा दो बड़े शौक से। मेहरबानी। डॉक्टर खाला बताए दो सर बिरयानी मछली जी बिरयानी ले या फरमाइश करेंगे। ठीक है मथे हफ्ते जुमे वाले दिन दिस जो मच्छी जी बिरयानी ठाई दंदम ताके। ठीक है कल गामा जको ड्राइव कया नंबर वडी निकल ता काल लगी आज बस लगी वही तो पो कॉल कर जो जुम अब मथे जुमे ते जरूर दिस जो मठाई दम। ठीक है ठीक है सर। ओके सर मथे जुमे दिन जुमो जुमो ओके सर मेहरबानी अल्लाह हाफिज। बादाम दिए काट दिए। ये देखें इस तरह का हो गया ये हलवा। अब हमने क्या करना है एक इस तरह का टिन होता है ना टिन ट्रे हो या स्क्वायर शेप में कोई बर्तन हो चाहे वो चीनी का ही हो या शीशे का हो बस स्क्वायर शेप में हो ऐसा हो कि ये सेट करना है हमने। तो इसमें मैंने बटर पेपर लगाया इस तरह का बटर पेपर या ब्राउन पेपर आपने बिछाना है। साइडों में भी लगाया हुआ है पीस काट के। इससे क्या होगा चिपकेगा नहीं। फिर घी से ग्रीस कर देना है। घी सा ग्रीस करे छो बटर पेपर लगाए जो अहीं सा जो हलवो इंजन लाई चंदा से। ठीक है ये पूरा आपने उतार के इसको आपने सेट करना है इस तरीके से। इसको सेट करके एक घंटा हमने छोड़ना है। पूरा सेट करें। कोई भी अगर ये सांचा नहीं है ना आपके पास केक वाला तो आप किसी में भी कर सकती हैं लेकिन चकोर होना चाहिए या गोल में भी कर सकती हैं। एक इंच से ज़्यादा दो इंच उसकी हाइट होनी चाहिए बाउंड्री की तब जाके आपका ये बड़ा ज़बरदस्त इसमें सेट होगा ये बनेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे मैं बादाम लेता हूँ। बादाम दे दें मुझे और चांदी का वर्क अगर है तो वो लगा दें। पिस्ता है अगर कोई ड्राई फ्रूट नहीं ना लगाएं मिक्स ड्राई फ्रूट है तो वो भी लगा सकती हैं। ठीक है इसमें लगाएंगे चांदी का वर्क। चांदी का वर्क से खूबसूरती आ जाती है। ये आप जब पीसेज इसके कटेंगे ऐसा लगेगा सोहन हलवा खा रहे हैं आप। ठीक है मुखे लगे तो चांदी जो वर्क आए आए निकल गया। चांदी का वर्क इस तरह करके एक लगा देते हैं इसके ऊपर। ये देखें ये इस तरह मिल जाते हैं पेपर्स के अंदर पूरे फोल्ड हुए हुए सेट हुए हुए मिल जाते हैं। ठीक है ये आपने लेना है। इसके बाद इसको सेट करें चांदी के वर्क को बिठा दें। बादाम दो तीन खाने के चम्मच या मिक्स ड्राई फ्रूट जो भी हो पिस्ता बादाम हो जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है ये तमाम विझी छो ड्राई फ्रूट वजन का पोइ इनके एक दफ़ा सेट कंदासीं। इस तरह आपने दबाना है ताकि जो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाया है ना जो भी आपने अगर नहीं भी है तो इसके बगैर भी बन जाता है मज़े का। इसको इस तरह सेट कर दिया। सेट करने के बाद आपने इसके ऊपर बटर पेपर दोबारा लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह लगा दें और इसको मैं वहाँ पे रखवा रहा हूँ एसी के सामने। वैसे एक घंटा आपने रखना है या पंखे के नीचे रख दें वरना इस फ्रिज में नहीं रखना है। ठीक है एसी के सामने रख दें तो यहाँ पर मैं रखवा रहा हूँ ताकि ये हमारा ठंडा होता रहे। उसके बाद हम लास्ट ब्रेक में जब आएंगे तो फिर काट के दिखाऊंगा। इसको रख दें बिल्कुल चिलर के नीचे ताकि अच्छा सा सेट हो जाए। अब हम बनाएंगे कोरमा। ठीक है कोरमा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए दूसरा पतीला लेते हैं। इसमें ऑलरेडी ऑयल था जो जिसमें मैंने चावल फ्राई किए थे हाफ कप था। ठीक है अब इसमें हम और भी ऑयल डालेंगे बल्कि घी डालते हैं क्योंकि बनस्पति घी से ही कोरमा जो शादियों में बनता है ना उसमें बनस्पति घी का इस्तेमाल होता है। तो मैं इसमें तकरीबन पौना कप आपके पास घी होना चाहिए एक किलो कोरमे के लिए। ठीक है अध कप आई उनका थोड़ा मथे चार चम्मच या आधा कप और चार टेबल स्पून। जैसे घी गर्म होगा इसमें हमने डालने हैं बारीक कटे हुए प्याज दो बड़े साइज़ के। एक किलो कोरमा है मेरे पास तीन पाव है चिकन तो मैं इसमें दो बड़े प्याज डालूँ। एक किलो है तो तीन बड़े प्याज आपके पास कम से कम डेढ़ पाव प्याज होना चाहिए। ठीक है तीन बड़े प्याज। प्याज को बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे हाफ स्लाइस करके। ठीक है विच मां अध करें बसर के बारीक बारीक कटिंग कर दो। अब जब प्याज आप ब्राउन करेंगी तो इसमें जो दानेदार कोरमा बनता है ना स्पेशल जो कोरमा बनता है उसमें क्या एक चीज़ डाली जाती है वो होते हैं मखाने। मखाने ये अक्सर पंजीरी में इन चीज़ों में डलता है और ये ड्राई फ्रूट्स के लिए होता है। ड्राई फ्रूट वालों की शॉप पर मिलते हैं मखाने। ठीक है ये मखाना जेके आहिनि ही ड्राई फ्रूट जी शॉप में मिलंदा आहिनि हे तां हिकड़ो कप खणंदो तो तकरीबन इसकी ज़्यादा नहीं डालूंगा ये मैं 20 दाने डालूंगा 15 से 20 18 दाने इस तरह आपने डालने मखाने। समझ गए होंगे मखाने क्या होते हैं ये हमने इसके साथ ही डाल देने। ठीक है 15-20 दाने आपने मखाने के डालने ये बहुत मज़े के होते हैं और ये बहुत ही ताकतवर हैं। इसकी मैं आपको दो तीन चीज़ें अब सर्दियाँ आ रही हैं
कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ठीक है, घुटनों की तकलीफ़ के लिए, और ताकतवर है बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़बरदस्त है। बच्चों को दें जो 40+, 30+ हैं उनके लिए भी है और जो बच्चे हैं उनके लिए भी। इसकी दो तीन किस्म के मैं पाउडर बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीक, फिर आप वो बना के रखें, दूध में मिला के बच्चों को दें, ख़ुद पिएं, आप ख़ुद आपको अंदाज़ा होगा दिमाग की ताकत हर चीज़ के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त है मखाने, तो ये मखाने हम इसमें भी डाल रहे हैं और इसका पाउडर ये जब ग्राइंड होगा ना तो ये दानेदार बनेगा। मखाना और बसर असाई थे फ्राई कंदासी, इसको हमने करना है गोल्डन फ्राई, ठीक है। जब तक कि अच्छी तरह गोल्डन फ्राई नहीं होगा इसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि कोरमे में जो प्याज जाता है उसको हम चूरा करके डालते हैं कूट के या दानेदार, उसी से कोरमे का टेक्सचर बनता है। चिकन आपने कोई भी ले लें, कोई भी कह रहा हूँ, कटिंग करानी है चिकन की, नॉर्मल कटिंग जैसे होती है उस तरह करा लें, 3 पाव से 1 किलो चिकन है। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। जी जी, आपका नाम और कौन से सिटी से हैं? यासीन जावेद। हाँ यासीन जावेद, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई मैं ये पूछी थी, अभी जो आपने मीठा बनाया है इसमें जो आपने तिल, क्या इसको भी फ्राई करना है या ऐसे? नहीं नहीं, तिल को फ्राई नहीं करना, नहीं नहीं, सिर्फ चावल आपने 1 पाव लेना है, 1 कप बन जाएगा पूरा मेजरमेंट वाला। चावल को फ्राई करके छान के निकाल दें, हल्का सा ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कीजिएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, सॉरी, ठंडा कर देंगी और फिर इसको और तिल को मिला के आपने ना ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तिल कच्चा रखिएगा, ठीक है ना? ओके ओके, प्याज और मखाना, ये कोरमा स्पेशल कोरमा बनाना सिखा रहा हूँ। प्याज और मखाना, मखाने 30-40 रुपए के ले लें, थोड़े से मिल जाते हैं, 20-25 दाने होते हैं, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, अगर घर में मौजूद हैं तो आप यूज़ करेंगे। अब इसको इतना फ्राई करना है कि इसका बिल्कुल प्याज का कलर वैसा हो जाए जैसे हम हलीम के लिए प्याज ब्राउन करते हैं ना उस तरह, और प्याज को हमेशा ब्राउन करने के लिए 20 से 2 करें, बारीक 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 जितने कटेंगे उतने जल्दी फ्राई होंगे। अगर मोटे मोटे काटेंगे तो फ्राई तो हो जाएंगे लेकिन अजीब से हलवे की तरह लुक आएगा, ये क्रिस्पीपन इसी में आता है। मुसलसल स्पून चलाया करें जब प्याज ब्राउन करती है, एक कलर लाने के लिए छोड़ा ना करें, वरना क्या होता है पतीले में आधे जल रहे होते हैं, आधे डार्क होते हैं, आधे लाइट होते हैं, साइडों से जल रहे होते हैं, इक्वल कलर लाने के लिए स्पून चलाया करें, ठीक है। एक चंगी तरह चमचो हलाइंदा, क्योंकि उनका छाती हुआ कि बसर जो आए ही चारों तरफ़ा सुठो फ्राई थी, न तो छा थो कि हो अध सड़े तो अध अच्छो रहे तो। अब इसमें हमें डालूंगा थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून नमक डालने का क्या मकसद है कि प्याज आपका अच्छा, ये टिप है छोटी सी, इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है और क्रिस्पीपन आता है फ्राई से, ठीक है। अब इसका कलर आ रहा है, मखाने भी हमारे फ्राई हो रहे हैं साथ साथ, मखाने हमेशा कच्चे नहीं यूज़ होते, कोई भी पंजीरी है कोई भी चीज़ में मखानों को हमेशा फ्राई करके बनाया जाता है, तो भी बिल्कुल इजी हो जाते हैं। देखिए ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, प्याज वो थोड़ा सा नमक का भी वो दे दिया। अब लेते हैं एक प्लेट, प्लेट में हमने सारा प्याज और मखाने निकालने, चूल्हा में बंद कर दूंगा, बहुत ज़्यादा डार्क शेड में नहीं जाएंगे क्योंकि कोरमा फिर बहुत ज़्यादा डार्क शेड में आ जाएगा। बस चूल्हा बंद कर दिया, ये कलर आ गया। अब हमने लेना है टिश्यू रोल, अच्छा बॉक्स वाला टिश्यू कुकिंग में ना यूज़ किया करें, ये किचन टावल इसको कहते हैं, टिश्यू ये यूज़ करें, नहीं तो फिर ना करें, छन्नी में भी डाल सकते हैं, बॉक्स में जो खुशबू वाले होते हैं ना वो खाने में ना यूज़ किया करें। मखानन सा गड बसर गाढ़ो थी कटी वठंदासीं, चूल्हो बंद करें, फिर ये मखाने और ये साथ ही हम ग्राइंड करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक मैं प्याज निकाल के इसको मैं ग्राइंड करूंगा, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर कोरमे की तैयारी करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेके बसर ऐं मखाना फ्राई करे कटी छॾिया, हाणे ही पतीलो ॾिसो, हिन में जेको ऑयल आहे न हिन में असांखे छा छा विझणो आहे मां तव्हांखे ॿुधायां थो। अब हमने पतीला चूल्हे से हटा दें या चूल्हा बंदि कर दें, ठीक है। ऑयल में हमने डाल देना चिकन, 3 पाव से 1 किलो जितना चिकन है, ठीक है, 3 पाव से 1 किलो जितना चिकन है, और ये आपने यूज़ करना है इस तरह डाल दें चिकन इसमें, 1.5 किलो जितरो मुर्गी जो गोश्त आहे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मटन बनाएं, बीफ बनाएं या चिकन बनाएं, बस चिकन का ये प्रोसेस है, मटन किस तरह होगा ये सारा तरीक़ेकार सेम होगा, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क होगा वो मैं बताता हूँ। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें, 2 खाने के चम्मच फुल भर के, 2 खाने के चम्मच अदरक थूम जो पेस्ट, हुनी ऑयल में बसर कटी मुर्गी विझी छड़ी ही, ठीक है। अब इसमें क्या डाल रहा हूँ, अदरक 1 से 1.5 खाने का चम्मच बारीक कटिंग किया हुआ, थोड़ा सा बचा के रखेंगे बाद में यूज़ करने के लिए, 3 तेज़पत्ते,
छोटी इलायची 6 से 8, लौंग 6 से 8, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक बारीक कटिंग की भी 1 से 1.5 खाने का चम्मच, 3 तेज़पत्ते, लौंग 6 से 8 और छोटी इलायची भी 8 डाल दें दाने, ठीक है। उसके बाद 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, तेज़पत्ता ट्रे मुर्गी विधि ऑयल में जेमा बसर कटियो मुर्गी विधि, अदरक तुम जो पेस्ट बखाण जा चमचा विधो, तेज़पत्ता ट्रे, ठीक है। उनके बाद तक इनमें विझंदो लौंग 6 खां 8 दाणा विझजो साबित, नंढा फोटा इनमें विझंदो 8 दाणा, हाँ विझंदी अछो जीरो 1 चाय जो चमचो, साबित कारा मिर्च 1 चाय जो चमचो, ठीक है। जीरा 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 8 दाने डाल दें, लौंग 6 से 8 डाल दें, तेज पत्ते हमने डाल दिए 3। अब इसमें हम डालेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास है मसाले और दही। अच्छा, कोरमे में कभी भी दही को फेंट के नहीं डालते, अक्सर मैं आपके सामने दही को बीट करके सालन में डालता हूँ ताकि दही फटी सी ना रहे और पीसेस ना आए, लेकिन कोरमा हमें दानेदार चाहिए होता है, देगी कोरमा, तो इसमें हम 1 पाव दही डालेंगे। खट्टा ना हो दही देख के लीजिएगा, दही आपने इस तरह पूरा 1 पाव डाल देना है। 1 पाव दही 1 किलो, 1 किलो मुर्गी में 1 पाव दही में दी। दही डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में क्या जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर भर के 2 खाने के चम्मच, देगी लाल मिर्च ज़रूर जाता है, इससे कलर कोरमे का बहुत अच्छा आता है। हमेशा आपको कहता हूँ देगी लाल मिर्च लेके रखें, सस्ते मिलते हैं, कोई महंगे नहीं, खुले भी मिलते हैं पैकेट में पेपरिका के नाम से, आप वो यूज़ करती हैं। देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च ये भर के 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरे का पाउडर बना के भर के 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 से 2 चाय के चम्मच भर के डालेंगी, कोरमे का कलर अच्छा आएगा। उसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, जीरे का पाउडर 1 चाय का चम्मच, मसाला नोट का जो कोरमे में छाविंदा पीठल गाढ़ा मिर्च भरे विझंदो 1 चाय जो चमचो, हेड पीठल 1 चाय जो चमचो, फुल दाणा पीठल 2 टेबल स्पून, चांवर खाइण वालों जो चमचो होंगे भरे विझंदो पीठल दाणा, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च या देगी गाढ़ा मिर्च ये कोरमे में ज़रूर विझबाइन, अगर ना तो इनके बगैर भी ठही वो, लेकिन ये कोरमे की जान है, इनका कलर ढो सुठो अचे तो मिली वा हर जगह वही रखो। पेपरिका पाउडर के नाले का भी दबो मिल वो भी यूज़ कर सोता 1.5 चाय चमचो, लूण 1 चाय जो चमचो भरे विझंदो छा 1 किलो चिकन है 1 टेबा 1 चीज, जीरो पीसे विझंदो 1 चाय जो चमचो। ये सारे मसाले डाल दिए, ठीक है। ये सब मसाले डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको करना है मिक्स। इसको मिक्स करेंगे, अब ये बीफ है या मटन है या चिकन है इस प्रोसेस से आपने बनाना है। देग में इस तरह ही बनती है, सारी चीज़ें एक साथ डाली जाती हैं। बीफ है, मटन है या चिकन है, तीनों चीज़ों को इसी तरह करना है। अभी इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, मसाले को एक जैसा हो जाए, चंगी तरह चूल्हे का हटाए या चूल्हा बंद करें, चूल्हा बंद हो या चूल्हे से हटा दें। कोरमे को अच्छी तरह मिक्स करें, अभी ये कच्चा है लेकिन बिल्कुल वैसा कलर हो जाए जैसे कोरमे का कलर हो जाता है, इतना आपने इसको मिक्स करना है बोटियों के साथ, ठीक है, अच्छी तरह ताकि सारे मसाले जो इक्वल बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये सब मिक्स हो गया, बीफ है या मटन है। अब मटन जो होगा उसको आपने क्या करना है, इसमें 1 किलो में 3 गिलास डालेंगी, 2.5 से 3 गिलास डाल के आपने चढ़ा देना है। चिकन है तो मैं इसमें 1 गिलास डालूंगा, बस ये फ़र्क होता है, बहुत पतला नहीं होता, गाढ़ा बनता है कोरमा। आप देखें इसका कलर आप कैसे नज़र आ रहा होगा, ये कच्चा है चिकन, ठीक है। बीफ या मटन जो भी है वो भी इसी तरह जाएगा, चिकन कच्चो है, इसमें जो कलर के जो सुठो थी हुआ है मिक्स थी हुआ। अब इसको मिक्स अच्छी तरह मिक्स करेंगी, सारा मसाला दही का देखें दानेदार टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है, फेंट के नहीं डालना है। अब इसको हम चढ़ाएंगे यहाँ पे, चूल्हा ऑन करेंगे। चिकन है 20 से 25 मिनट में बनेगा कोरमा, बीफ और मटन का कोरमा 40 मिनट में बनता है, चिकन 25 मिनट में, बीफ मटन 40 मिनट में। और अगर आप बना रही हैं प्रेशर कुकर में तो 12 मिनट का प्रेशर देंगी बीफ या मटन को, चिकन को प्रेशर कुकर में नहीं डालेगा वरना हड्डी से गोश्त अलग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इनसे जो ख्याल रखो, चिकन में ठाओ पिया तो इनके 1.5 गिलास पानी विझंदी, वडे जो गोश्त है या बकरे जो गोश्त है 4 गिलास 3 गिलास पानी जितो तक शोरबो खपे गाढ़ो कर एतो विझंदो, उनके 40 खां 45 मिनट पचाए जो दरमियानी बाहे थे, चिकन आए तो ये 20 खां 25 मिनट में प्रेशर दिंदो, अगर वडे के या बकरे के गोश्त के 12 मिनट जो प्रेशर दिजो, ठीक है, उन्हें तैयार थी वो। इन्हीं तरीके से सजो प्रोसेस करें। अब देखें ये मैंने इसको थोड़ा पकाना है, अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, ये बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी है, ज़बरदस्त आपको बहुत पसंद आएगी दानेदार कोरमे की रेसिपी, ठीक है।
बीफ का भी समझा दिया, आपको मटन का भी इसी तरह प्रोसेस करना है बीफ और मटन को भी, उसके बाद आपने पानी डालना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे क्या है कि पानी कितना डाल रहा हूँ, मैं इसमें डाल रहा हूँ गिलास के हिसाब से एक गिलास से डेढ़ गिलास, क्योंकि चिकन है ना, आपने बीफ या मटन है तो चार गिलास डालेंगी। तो ये कटोरी जो मेरे पास है ये एक गिलास जितनी है, ठीक है, ये पूरी मेजरमेंट है एक गिलास की। तो मैं इसको एक गिलास डाल दिया, उसके बाद आधा गिलास डेढ़ गिलास पानी डाला है बस चिकन में। आप दो गिलास तक डाल सकती हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा करना, लेकिन फिर क्या होता है कि गाढ़ा तो वो प्याज से ही होगा जब प्याज हम ग्राइंड करके डालेंगे, लेकिन दो गिलास तक आप डाल सकती हैं, ठीक है, बस गिलास तक ही पानी मिल सकता है चिकन में। अब इसमें बॉयलिंग आने दें, कोरमे में जब बॉयलिंग आएगी ना उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कभी भी पानी डाल के डायरेक्ट कवर नहीं करते हैं। और अगर आपने कभी चीज़ गाढ़ा हो जाता है कोई सालन, आपने इसको बढ़ाना होता है, आपका दिल कर रहा है कि इसमें एक गिलास पानी डाल दूँ या एक कप पानी डाल दूँ, तो उसमें आपने क्या करना है, पानी को बॉयल करना है अलग से। कभी भी ठंडा पानी कच्चा पानी ऐसा न डालें, सालन खराब टेस्ट खराब हो जाता है, सालन का फीकापन आ जाता है। पानी को हमेशा बॉयल करें, खोलता हुआ पानी डालें जब भी सालन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी हो। कदे भी भाजी ताकि लगे तो घाटी है लाई गोश्त जी या चिकन जी मुर्गी जी उनके पत्थरों करण लाए ता उनमें जितो भी पानी विझे एक गिलास डेढ़ गिलास जितो भी पानी तक खपे तो उनके अलग से बॉयल कंदो, गरम बॉयल पानी विझो, कदे भी थदो पानी न विझंदा क्यों उनमें भाजी जो मज़ो खत्म थी वो, एडी मेहनत से भी पचायो पर बाद में फ़ायदो ना। अब ये देखें अच्छी तरह यहाँ पे बॉयलिंग आ गई। अब मैं इसको कवर लगाऊंगा 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये चिकन का कोरमा है, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, चिकन का भी बीफ मटन है, तो आपने ढक्कन लगाना है 40 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेढ़ से पौने दो गिलास पानी, और उसमें आप पानी कितना डालेंगी, चार गिलास पाँच गिलास इस तरह आपने पानी डालना, उसको पकाना है। अब मैं मीडियम लो फ्लेम करूँगा, बहुत हल्की नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, क्योंकि ज़्यादा हम हल्की आँच पर पकाएंगे तो चिकन हड्डी छोड़ देती है, फिर वो टूटना शुरू हो जाएंगे पीसेस, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, इसको हम ग्राइंड करेंगे, और एक इसमें स्पेशल हम गरम मसाला पाउडर नहीं डालेंगे, इसमें स्पेशल जो खुशबू आती है ना देगी कोरमे की वो क्यों आती है, ये चीज़ें जाएंगी। ये गौर से देखना, यहाँ पे आप मेरे पास हैं 8 अदद इलायचियाँ, कुछ ग्राइंड की हुई हैं कुछ इस तरह हैं साबित। 8 छोटी इलायची लेनी है, 3 बड़ी इलायची लेनी है, 2 दालचीनी की स्टिक ले लेनी है, जायफल जावित्री लेनी है, ठीक है। जायफल आपने ये एक नटमेक होता है ना, ये आपने एक ले लेना है, ठीक है। और जावित्री की पत्तियाँ इस तरह आपके पास एक चाय के चम्मच जितनी होनी चाहिए, बड़ी है स्टिक है जावित्री की तो एक, छोटी है तो इस तरह 2-3। छोटी इलायची 8 ले लें 10 ले लें ज़रूर लेनी है आपने, अच्छी होनी चाहिए छोटी इलायची, जो सफ़ेद आती है ना उसमें अर्क निकला हुआ होता है, ये चीज़ आप नोट कर लें, उसमें अर्क निकला होता है, जो लाइट सी लेमन कलर की इस तरह की आती है ना ग्रीनिश टोन में, वो ओरिजिनल इलायची होती है। अर्क निकतल हों नंढे फोटन जहाँ जो अच्छी होंदी हुई सफ़ा मथा का उन्ना उठा कि सो अर्क कटी छा फिकी होंगी उनमें खुशबू नती हुए साई होंगी ना जी नंढी फोटन जो वो वा कर 8 खाया नंढा फोटा 10 8 का 10 वा फोटा 3 मिठी काठी जो दालचीनी होंगी वी बी है जायफल ही गोल हों सुपारी वागर हों, ठीक है। जायफल ये गोल होता है सुपारी की तरह होता है, ये आपने लेना है। और जायवित्री जी पत्तियों मिलंदी हुई हर जगह मिलंदी हुई अजकल गरम मसाले की दुकान से मिली हुई सब जो राशन की दुकान है तो जावित्री जी पत्तियों जी ये तक चाय जो चमचे जन को। अब इन तमाम चीज़ों को हमने फिर से कर लेना है ग्राइंड। ग्राइंडर ले गई है क्या आप भी, कुछ छोड़ना नहीं यहाँ पे। अब ब्रेक में कितना टाइम आना, ठीक है, नहीं ले जाया करें कोई भी चीज़ यहाँ से उठा के जो मुझे चाहिए होती है। दोबारा बता रहा हूँ, छोटी इलायची 10, बड़ी इलायची 3, दालचीनी की स्टिक तोड़ के डाल दें, उखरे मोरी में भी कुटे सको था आई मशीन में भी कर सकते हैं इमाम दस्ते में, 2 दालचीनी की बड़ी स्टिक, 3 बड़ी इलायची, 8 से 10 छोटी इलायची, नंढा फोटा 8 का 10, वडा फोटा 3, वडा फोटा 3 आई दालचीनी की काटी। ये है जावित्री की पत्तियाँ 1 चाय के चम्मच जितने, 1 चाय जो चम्मच जावित्री की पत्तियों, और ये मेरे पास जायफल है ना इसको तोड़ के डालेंगे, इससे क्या होता है ब्लेड कभी कभी कट भी ब्लेड भी ख़राब हो जाता है, तो इसको हल्का सा चोट मार के आपने ये छालिया की तरह हो जाती है, ठीक है। अब इसका मैं कलर शेप भी दिखाता हूँ, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ये छालिया, लेकिन खाइएगा नहीं डायरेक्ट, छालिया नहीं है, 200 आने के करीब का दिखा जो ही बिल्कुल सुपारी लगी थी, देख रहे हैं ये जायफल है, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है खानों में, इसका पाउडर भी मिलता। ये एक जायफल छोटी डाल दी, बड़ी जायफल है तो फिर आपने हाफ डालनी, ये डाल दी, इसको करेंगे हम ग्राइंड, ये ज़रूर डालना इसी से फ्लेवर आएगा।
बारीक पाउडर बनाना। ये पाउडर थी, अगर इसमें छिलका आपको नज़र आ रहा होगा ना, हम इसको निकालते हैं एक प्लेट में या बॉल में, अगर आपको इसमें छिलका नज़र आ रहा होगा तो फिर क्या है कि इसके छिलके आपने निकाल देने, बाज़ दफ़ा इलायची के छिलके रह जाते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं प्लेट में खोलूँगा इसे, ये पूरा इसमें जाएगा। गरम मसाला पाउडर नहीं डालना, उससे क्या होता है कोरमा काला हो जाता है। ठीक है, गरम मसालो पाउडर विझण का कोरमो कारो थींदो है, हे मसालो ठाई विझो। ये देखिए इसमें कोई जाला नहीं आ रहा, बिल्कुल ही परफेक्ट ग्राइंडर हो गया है। अब ये हो गया, अब इसके बाद हम प्याज को भी ग्राइंड करेंगे और ब्रेक आएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके साथ हमने ये पिसा हुआ नारियल, इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, ये ज़रूर जाएगा। डूंगी पीठल ब खाने जा चमचा हे भी विंदो, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ नारियल और जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है कोरमे का स्पेशल, ये बहुत स्पेशल है कोरमा, होममेड मसाले के साथ बना रहा हूँ और आप जब खाएंगे आपको लगेगा कि वही शादियों वाला कोरमा खा रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा घुमा के देखा मैंने, अब इसको 10 से 15 मिनट और पकाएंगे, 10 से 15 मिनट बेहो पचंदो। अभी मेरे पास ये है अदरक, थोड़ी सी मैंने रखी हुई, आखिर में ये डाली जाएगी 1/2 टीस्पून एक चाय के चम्मच जितनी। और ये जो मखाने हैं और ये जो प्याज है ना, इसको आप तो या तो हाथ से कर सकती हैं, हाथ से करें, वरना आप इसको चॉपर में चला दें, तो इसको हम इसमें करते हैं चॉपर में। ठीक है, इमाम दस्ते में कूटेंगी तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बन जाता है, हाँ इनके चॉपर मशीन में हलाइंदा से। सारा प्याज और मखाने मैंने इसमें डाल दिए, इसको मैं ग्राइंड करता हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, पाउडर नहीं बनाना है, दानेदार बनाना है। ठीक है, इसको ग्राइंड करते हैं, शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक वनन का पेज था, मुझे को बसर और मखाना हुआ ना वे मैं पीसे चले, बसर और प्याज और मखाने मैंने यहाँ पे पीस लिए थे, इसको हम निकाल लेंगे, इसको निकाल के हमने कोरमे में डालना है। ठीक है, अब 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन की बोटी देखें, चेक करें, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें जब लेग पीस से गोश्त अलग हो जाता है ना, समझें ये बिल्कुल रेडी हो गया, गोश्त गल गया। ठीक है, मुर्गी जी जेका टंग हुंदी है ना, हिन खां गोश्त अलग थियण शुरू थींदो आ, तब समझो गोश्त तैयार है। छाकाणि इहा शइ जेका है ना हमेशा कच्ची रहिजी वेंदी आहे, बाक़ी सॼा मसाला हमेशा बाक़ी गोश्त जा हिसा जेका हूंदा आहिनि ॻरी वेंदा आहिनि, हे कचर। अब ये सारा जो कोरमे का प्याज हमने बनाया था ना मखाने के साथ, मैंने इधर ग्राइंड कर दिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, सारा आपने निकाल देना आखिर में। ठीक है, जब आप देखेंगे गोश्त गल चुका है फिर आपने प्रोसेस करना है, पहले नहीं करना है। अब इसको हमने मिलाना है हल्के हाथ से, चूल्हा बिल्कुल हल्का करके, ब्राउन प्याज जो था ये इसमें मिलेगा, प्याज से गाढ़ापन आता है, दानेदार बनेगा कोरमा। अब चूल्हा हमने थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया, पहले हल्का था जी। उसमें फिर हमने डालनी है पिसा हुआ नारियल 2 से 3 खाने के चम्मच और जो ग्राइंड करके मसाला रखा था ना ये पूरा आपने इसके अंदर ऐड करना, और इसको फिर हम करेंगे मिक्स। जो डूंगी है ना पीठल यो इनके अंदर विझंद और मसालो मैं सामू ठाया हो ग्राइंड कर वो इनके अंदर विझ, ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मसाला कोरमे में अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसमें से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही जो देगी कोरमे में होती, क्योंकि इसमें हमने सारे मसाले जो ऊपर से डाले ना ग्राइंड करके, ये अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसका कलर आप देखें कोरमे का आ रहा है और ये टेक्सचर देखें इसका दानेदार बन रहा है। ठीक है, ये क्योंकि प्याज इसमें गया है, मखाने गए हैं, पिसा नारियल गया, ये सब चीज़ें डालने के अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब बिल्कुल हल्की आँच करेंगे इसको, 10 मिनट आपने लगा देना है दम पे कोरमे को बस। अब जो हमारी मिठाई थी ना ये देखें ये गई थी ठंडी होने के लिए, ठीक है ये हो गई है ठंडी, ये उठाया बटर पेपर, ठीक है इसको आपने प्लेटर में उल्टा कर देना काटने के लिए, ये निकल आएगा पूरा, निकल आई मिठाई सजी उबो तो कई छो एक ट्रे में छुरी खणंदासीं ऐं जंहिं प्लेटर में तव्हांखे हिनखे रखिणो आहे उहो प्लेटर खणूं था, जिस प्लेटर में आपने मिठाई काट के रखनी वो ले लेते हैं। इसके हमने काटने हैं पीसेस आराम से, ठीक है 1, 2, 3, 4 पीसेस में यूँ लंबाई में आराम से, बहुत स्पीड में आपने नहीं काटने, छुरी सीधी रख के, अभी भी थोड़ा गर्म है ठीक है, इसको आपने 1 घंटा छोड़ना है, मेरे पास टाइम इतना नहीं था तो मैंने इससे अभी काटना शुरू कर दिया।
तरीके से आपने इसको काटना, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी इस तरह टिक्कियाँ काटनी है। डाढ़े एहतियात से इनकी कटिंग कर दो। हाँ ना हाँ छा काटे वन वो तो बाद में तो ब्रेकअप हो जाए। ये देखे आराम से, ठीक है, टुटे ना मिठाई। जितनी थदी थी एतरी सुठी ती मिठाई की कटिंग थी, जितनी ठंडी होगी उतनी अच्छी कटिंग होगी, ठीक है। ये आपने कटिंग कर देनी इसके पीसेस की। इसके बाद इसको उठाते हैं। पीस उठाने के लिए बिल्कुल ऐसा सीधा चम्मच आपके पास हो ताकि ये आप आराम से निकाल सकें, ठीक है। इन तरीके से मिठाई जा पीसेस अना गरम आए तो ही नरम भी है, ठीक है। गरम है तो इसलिए थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। इसको हाथ से आप सेट करके इस तरह बादाम वगैरह, अभी ये गरम है लेकिन मैंने जल्दी में आपके लिए निकालना शुरू कर दी ताकि आप लोग देखें इसका रिज़ल्ट, वरना आप इसको और रखेंगी तो ये और परफेक्ट बनेगी, ठीक है। इस तरह पीसेस उठाएं, पलटें, देखिए ठंडी होके बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगी। चांदी जो वर्क लग रहा है इनमें, कितने ज़बरदस्त है ये पीसेस जो हाथ में आ रहे हैं ना छोटे छोटे, ये इस तरह निकलेंगे। अभी गर्म है ना तो इसलिए थोड़ा भी ये सेट नहीं हुआ, क्योंकि प्रोग्राम के टाइम के हिसाब से मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दूँ। बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत ही परफेक्ट और बड़ी ज़बरदस्त सी मिठाई बनती है, ठीक है। ठाए जो ज़रूर ढी आसान है, थदी थी सफ़ा सेट थी वी, ठंडी होके बिल्कुल सेट हो जाएगी तो फिर आप निकालिएगा, क्योंकि लाइव शो है, टाइम लिमिटेड होता है, तो उस वजह से मैंने आपको ये दिखा दी है कि इसकी कटिंग कैसे होती है। ठीक है, बस ये काफ़ी है। हाथ से सेट करें इसको इस तरह स्क्वायर शेप में, ठंडा होके खुद ही सेट हो जाएगा। जो इसका चूरा सा जो थोड़ा बन रहा है ना वो आप हटा दें, इसमें प्लेट में ना रखें। ये ना गरम आए थोड़ी अना सेट थी ज़बरदस्त थी वी, ठीक है। सामने देखें काट काट के रखता जा रहा हूँ। ये अभी हालांकि गरम है, हाथ में गरम लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैं इसकी कटिंग करके दिखा रहा हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त से पीसेस बन गए इसके। बादाम पिस्ता जेके तवाट आए था इनमें रखी सबूत है, विजी सबूत है। एक पीस खोल रहा है क्योंकि गर्म है तो इसको हटा देते हैं। ये हो गया और ये बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई है। सर्दियों में बनाएं, गर्मियों में बनाएं, कोई इसका मसला नहीं है, लेकिन बनती बड़ी ज़बरदस्त है। बस आपने इसको टाइम देना है सेट करने के लिए, ठीक है। अभी ये गर्म है, जितना आप इसको टाइम देंगी उतना अच्छा ये सेट होगी और ये हमारी मिठाई हो गई तैयार। अब हम निकालते हैं कोरमा, कोरमे को देखते हैं 10 मिनट होने वाले हैं, उसके बाद हम कोरमा निकाल देते हैं। कल देखिएगा, कल हम बनाएंगे करेले, बहुत ही डिफरेंट किस्म के, चने की दाल बनाना सिखाऊंगा और उसके साथ तली हुई मिर्चों की फरमाइश ही, तो मैंने सोचा एक साथ ही बना देते हैं। हाँ ही जो टेक्सचर डिसो हेव थी वो कोरमो दानेदार, उसका कलर देखें पकने के बाद मसालों का ज़बरदस्त सा कलर, ये होता है दानेदार कोरमा। ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो फिर आपने इसको निकालना है, ठीक है। ये देगी कोरमा है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, बिल्कुल जो बैलेंस होता है ना इसका उस तरह। मसाले डालने के बाद, प्याज डालने के बाद आपने 10 से 15 मिनट दम पे रखना है जी ना, ठीक है। ये तैयार थी वो असो कोरमो, इनके को डिश आउट क्यों था, तमाम बेहतरीन कोरमो है, इनके ज़रूर ट्राई कर जो काशे मिस थी, ये थी तो सुबह जो रिपीट में ही सको। मैं सिर्फ थोड़ा निकालूंगा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए,
एक प्लेटर बना रहा हूँ, बाकी फिर आपने अपने हिसाब से इसको सर्व करना है। अदरक बादाम डालना चाहती हैं, बादामी कोरमा इसी को आपने बनाना है। फिर आपने क्या करना है, बादाम ले लें 20 दाने ले लें, बादाम को भिगोएंगी या गर्म पानी में, उसके बाद छील के उसको पेस्ट बना लें या पीस लें या कूट लें। फिर वो पेस्ट सा होगा ना, तकरीबन 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच वो डाल दें इसके अंदर। क्रीम होती है ना फ्रेश क्रीम जो, वो 2 खाने के चम्मच आखिर में आप मिलाएंगी जब बिल्कुल चूल्हा बंद करने लगेंगे, उस वक्त मिला के वो बादामी कोरमा बन जाएगा। और अगर दूध के ऊपर जो मलाई जमती है घर में हमारे पास, वो ले लें 2-3 खाने के चम्मच, उसको फेंट के वो डालें, लेकिन लिक्विड में ना हो, थोड़ी गाढ़ी हो, तो बादामी कोरमा बन जाता है। और फिर साबित बादाम आपने 15-20 दाने लेने, बॉयल करके छिलका हटा के या भिगो के छिलका हटा के वो साबित डाल देने, तो वो बादामी कोरमा बन जाता है। बस ये नॉर्मल देगी कोरमा है, वो बादामी कोरमा, और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, देखें पक पक के बिल्कुल गाढ़ा हो गया, परफेक्ट सा हमारा कोरमा बन गया। इसको हम डिश आउट करते हैं, तो देगी कोरमा ज़रूर ट्राई कर जो, बिल्कुल आसान रेसिपी ताकि ठंड से खा रही है, लेकिन हे वो ही देगी कोरमा जो शादी में होंगे, ठीक है। दानेदार देगी, इसका नाम है दानेदार देगी कोरमा, ठीक है, दानेदार देगी कोरमा। तो ये मैंने सिखा दिया आपको बनाना, और फरमाइश भी थी, और पहले भी बना चुके हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा चेंज करके बनाया। और अगर कोरमे की सिंपल रेसिपी चाहिए तो यूट्यूब पे हमारा चैनल बना हुआ है कुकिंग विद फैसल, ठीक है, उसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको तमाम रेसिपी। अब आपको देखें इसका टेक्स्चर, मसाला कितना ज़बरदस्त है, कलर कितना ज़बरदस्त है। तो इस तरह आप इसको निकालें, ये जितना मैंने बनाया ना 3 पाव से 1 किलो जितनी चिकन है, आराम से 7-8 अफराद आराम से खा सकते हैं, 8 अफराद 9 अफराद 7 अगर बिरयानी या कोई ऐसी चीज़ बना रही है तो फिर आप के बैलेंस हो जाएगा, ज़्यादा लोग हैं। अगर आधा किलो बनाएंगी, आधा किलो चिकन में बनाएंगी, तो मसालों की क्वांटिटी आपने कम करनी, और कोई चीज़ कम करनी नहीं है, सिर्फ मसाला लाल मिर्चियों की और धनिया पाउडर की क्वांटिटी आपने कम करनी है, बाकी सारे मसाले सेम तरीके से होंगे। अगर तो अध किलो मुर्गी में ठाही दो ना, ही ट्रे पाक में भी ठाही दो तो एतरे में ठाही, अगर अध किलो में ठाहिण चाहो था वो ताकि चाहे कि इनमें थोड़ा लून घट करना पैंदो, 1/2 टीस्पून नमक कर लेंगे, लाल मिर्च वही रहेगी, हल्दी वही रहेगी, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच कर लीजिएगा, हमने 2 खाने के चम्मच की थी, बाकी सारी चीज़ें सेम उतनी ही होंगी, ठीक है। दही की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करेंगे बस, फिर देगी कोरमा समय तैयार थी। और आखिर में क्या है कि अदरक या तो पतीले में डाल दें, थोड़ी सी मैंने बचा के रखी थी, इस तरह प्लेट पर डाला कर, इससे क्या होता है कोरमे का ओरिजिनल लुक आता है जो देगी कोरमा का होता है। ये हमारा देगी कोरमा तैयार हो गया। हलवा मैंने आज आपको सिखा दिया, चावल और दूध का हलवा है, ठीक है, राय चावल एंड खीर जो हलवो, एंड सर असाजो ज़बरदस्त किस्म जो देगी कोरमो। और ये कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो रिपीट में देख लीजिएगा, ठीक है। कल की रेसिपी मिस नहीं कीजिएगा, कल भी सब्ज़ी और दाल की रेसिपी बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फ़िश की बिरयानी है फ्राइडे को, और बाकी क्या चीज़ें हैं वो भी देखते हैं, क्या क्या हैं रेसिपीज़, क्या क्या फरमाइशें, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है। मथे हफ्ते बाकी चाचा शयुन वो पोता के बुधाए वो, इसके साथ नान रख लें देगी कोरमे के साथ, और ये हमारा परफेक्ट मेन्यू तैयार हो गया, ठीक है, नान के साथ इस तरह आप सर्व करें। कल ये रिपीट चलेगा 9 बजे, कुकिंग विद फैसल हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी, कल की प्रोग्राम देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सुभाने 9 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद फैसल असांजो यूट्यूब चैनल है, उते तमाम रेसिपीज़ अपलोड थी वेंदी वन, वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कियो, और 03142675311 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 03142675311 व्हाट्सअप नंबर है, इसे वॉइस मैसेज करें, मैसेज करें, कोई भी रेसिपी के बारे में पूछना हो मैसेज या वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल की कल की रेसिपी मिस नहीं कीजिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी, दुआ में रखेंगे, हाफिज़। Thank you.
कुकिंग विद फैसल तमाम एपिसोड इसो हाने HD क्वालिटी में विजिट कयो असन जो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।